2002 2003 उस टाइम जब मैंने बैंड फॉर्म किया था तो वी डिडंट हैड एनी वोकलिस्ट, तो मेरे पास और कोई चॉइस थी भी नहीं. तो बस थोड़ा बहुत करते 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 मतलब फिर यही था कि जब मेन स्ट्रीम में आए तो फिर आई वाज द फ्रंट मैन ऑफ माय बैंड. लेकिन ये कि एज मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ गिटार प्लेयर, मतलब दिस इज व्हाट आई लाइक डूइंग यू नो ऑन स्टेज एंड अदरवाइज. सही. तो एंड सिंस एज फार एज सैटर्न इज कंसर्न्ड, तो यहाँ पे मतलब क्योंकि हमारा म्यूजिक, हमारा जो बेसिकली एक टाइप ऑफ म्यूजिक होता है जिस तरह जो आपको पसंद होता है, करते आप सब कुछ हो, लेकिन जो सैटर्न का म्यूजिक है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है. एंड दैट इज द रीजन क्योंकि सलमान के साथ मतलब काफी अरसा हो गया, शहबाज के साथ भी तकरीबन 2 साल हो गए, वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर एज वेल. ठीक है. तो यही था कि इंटरेस्ट भी मिलते थे, प्लस मुझे सैटर्न का ओवरऑल साउंड भी पसंद था. सही. तो इस वजह से फिर आई डिसाइडेड टू जॉइन द बैंड एज वेल एज अ गिटार प्लेयर. वेरी नाइस. अगेन वेरी नाइस. अच्छा, ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात है कि एक वक्त में लोग 2-3 बैंड्स में हैं, मौजूद हैं. आप भी इसी तरह ही कर रहे हैं कि बाकी बैंड्स में भी हैं और साथ इधर भी हैं? फिलहाल तो मतलब मैं लड़वा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ऐसे कर रहा हूँ कि तुम लोग लड़ाई हो जाए. नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो मैं भी बजाता हूँ, है ना. तो सलमान यार ये अच्छा होता है, किसी को बाउंड नहीं करना चाहिए, है ना. असल में इट डिपेंड्स आप लोगों का एटीट्यूड एक दूसरे के साथ कैसा है. हम लोगों को इतना I mean, I don't have a problem if Salman's playing with 3 other musicians or 4 other musicians, as long as, you know, he's doing well in what he wants to do. ठीक है. Obviously, मेरा तो भाई भी है, तो लड़ने का सवाल भी नहीं पैदा होता. हम लोग हम भी आपके भाई हैं यार, उस्मान भी भाई है. भाई क्या हो गया, एक गाना भाई सुना दो यार प्लीज. बिल्कुल. क्या कहते हो, कौन सा गाना, किस सॉन्ग से शुरू करेंगे? ये सॉन्ग अभी इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो. ठीक है. सो वी जस्ट गोना We'll play this song. ये मैंने recently लिखा है. अच्छा. Album हम लोग का बन चुका है. बन चुका है. It's ready for launch. हम लोग बस आजकल इसी काम में हैं कि album launch करना चाह रहे हैं in a month or so. लेकिन ये song album में नहीं है, लेकिन जब इसने बनाया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था. मैंने कहा था यार ये song इसका कुछ करना है. कुछ करना. तो हम अभी से इसकी जरा promotion शुरू करें. Very nice. बस ये कि lyrics इसके कुछ they're not like written lyrics. ठीक है. I generally improvise on the song, so lyrics might not be the best. Koi issue nahi. Please. I don't even know what it's called. That's a good name. Yahan. Yahan. All right. Short and sweet, huh? Kya kehne, very nice. The thing is, the lyrics obviously are not written. Theek hai. So I didn't really want him to stop, but then he stopped. So, you know, we kind of stopped. Oh, main yehi soch raha tha ki agli verse yaad hai ki nahi. Yaad hai ki nahi. Tumne ehtiyat ki na. Verse kuch hai. Achha, achha, rok. Very nice, yaar. Bahut achhi composition and very good vocals, mashallah. Thank you very much. Very nice. Feel. Abhi asal mein thoda sa. Nahi, wo achha lag raha hai. Wo jo halki si kharash hoti hai na, wo aajkal zaruri hai.
किसी जमाने में लोग कहा करते थे यार सिंगर की, वो सिंगर ही कामयाब नहीं जिसकी आवाज में खराश है, और हमें दुआ देनी चाहिए नुसरत फतेह अली खान साहब को। लेकिन मेरे तो जो फेवरेट वोकलिस्ट है उनके गले में बहुत सारी खराशें हैं। अरे मिकाल हसन के जो वोकलिस्ट हैं, जावेद बशीर साहब, खुद सोच वो मतलब जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि करके, लेकिन एग्जैक्टली क्या कमाल। बट मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ट्रेंड जो चला है ना, मतलब जिन्होंने आके इस ट्रेंड को सेट किया और जिन्होंने आके इस ये कहा कि यार जरूरी नहीं है, बाज़ दफ़ा खराश खूबसूरत लगती है आवाज, और अब तो बाकायदा लोग बनाते हैं। असल में हम लोगों का तो वैसे भी द म्यूजिक इज वेरी वेस्टर्न, वेरी नाइस, तो क्लासिकल की तरफ अब थोड़ा सा इंक्लाइन होना शुरू हो गए हैं। मैं भी और सलमान वांट्स टू लर्न। बेसिकली हम लोगों का जो म्यूजिक स्टाइल हम लोग रखना नहीं चाहते कोई एक, इसलिए हम लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव रॉक कहते हैं। ठीक है, रॉक एलिमेंट रहता है हमारा क्योंकि वो जरा पता नहीं बस आता है जब भी मैं कोई सॉन्ग बनाऊं या शबाज बनाए, रॉक एलिमेंट रहता है थोड़ा सा। बट प्रोग्रेसिव म्यूजिक का मतलब ये है कि हम कोई डिफरेंट, कुछ ना कुछ डिफरेंट करें। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। एक कॉल लेते हैं, एक कॉल की तरफ जाते हैं, देखते हैं लाइव कॉल हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? जी मैं फहद खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से फहद बात कर रहे हैं, और आपकी आवाज़ सुन के शहबाज साहब मुस्कुरा दिए। जी तो आप बात करना चाहेंगे इनसे? जी बिल्कुल, ये मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, और कितने बड़े दो दोस्त बैठे हैं। ठीक है, सोलिक साहब और असद दुरानी। ठीक है, और इनके मुझे गाहिल बहुत पसंद है, और इनके मैं हर कॉन्सर्ट पे गया हूँ। आई कांट मिस एनी ईदर ऑफ द कॉन्सर्ट। ठीक है, और मेरे जो दोनों दोस्त हैं सोलिक साहब, सलाम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है आप सोलिस के घर बैठे हैं। जी बिल्कुल, अब आई एम श्योर पीछे कोई स्टोरी होगी बहुत बड़ी। सर ये तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे कोई स्टोरी है, तुमसे प्रोग्राम के बाद जरूर पूछूंगा, याद कराना। आप बेशक प्रोग्राम के बीच में पूछ। मुझे इनका एक सॉन्ग बहुत पसंद है और मैं अभी सुनना चाहूंगा, कुछ नहीं के नाम से ये सॉन्ग है। ठीक है, गुनगुनाओ थोड़ा सा यार, प्लीज एक लाइन गुनगुनाओ ना अपनी आवाज में। ये आपको खुद भी गाना पड़ेगा। यार मैं चाहूंगा शहबाज सुना दे, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है चलें, सही है। जरूर जरूर यार, और कुछ कहना चाहोगे, और किसी से बात करना चाहोगे? सलमान से बात करनी है। सलमान प्लीज करो। जी जी फहद साहब, क्या है सलमान भाई? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा ब्रदर, टेलीविजन का वॉल्यूम तुमने खोला हुआ है, रिपीट में सुनो ना अपनी आवाज यार। चलिए, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। सलमान आपसे बात करना चाह रहे थे, बट उन्होंने टेलीविजन का वॉल्यूम बढ़ाया हुआ। अच्छी बात है सर, है ना? अब ये होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा फैन है आपके और आपको पसंद करते हैं? फहद एंड सोलिस। ठीक है, एंड असद, ऑल थ्री ऑफ देम आर। सोलिस एक्चुअली हैज बीन माय हाउसमेट, ही इज, आई हैव लिव्ड विद हिम। ठीक है, एंड ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड। ठीक है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दीस थ्री टू कॉल। वाओ, दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी सपोर्टिव। बहुत हम लोग का म्यूजिक को भी पसंद करते हैं। प्लस मतलब इस्लामाबाद इतना छोटा शहर है, आपको बड़ी जरूरत होती है इस तरह फ्रेंड्स की कि वो आपको सपोर्ट करें। बिकॉज़ यूजुअली इस्लामाबाद का क्राउड इस तरह का है नहीं कि वो सपोर्ट करें। और कहते हैं जी एक दफ़ा एक बैंड को हमने देख लिया, बस अब दोबारा नहीं देखना, ये अपने दोस्त हैं क्या है। क्योंकि ये एक मुझे चीज़ इस्लामाबाद की नहीं पसंद कि यहाँ पे रहते हुए आप स्टार बनना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो आपको, क्योंकि कराची और लाहौर इतने बड़े हैं कि आपको देखें रोज रोज एक बंदा नहीं नजर आता। ठीक है सलमान, एक कॉल की तरफ चलते हैं, इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हेलो सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? नासिर, नौशहरा से। नौशहरा से नासिर भाई बात कर रहे हैं। नासिर भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मैं एक दो शेर आपको सुनाऊं, ये गाना है जी रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। जी बताइए गाना प्लीज। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। सर क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। जो मालूम होता ये अंजाम उल्फत तो दिल को लगाने की जुर्रत न करते। थैंक यू जी, चले बहुत बहुत शुक्रिया। कितने क्यूट कॉलर थे, उन्होंने आए, वो आए हैं गाना का, उन्होंने कहा बाकी आपको मैं नहीं जानता। हाँ मुझे सुने बस आप मुझे मेरा गाना सुने और बस फिर इसके लिए भी बड़ी
कोई दर्द भरे दुख भरे तुम लोग भी गाने गाते हो? कोई दिल टूटा हुआ तुम लोगों का कि जिसको तुम गानों में? तो नहीं, टांगे और पांव काफी फट जाते हैं. नहीं सर, दिल चल नहीं टूटा. अच्छा. इनफैक्ट हमारी एल्बम में मेरा नहीं ख्याल सिर्फ दिल टूटा तो है, लेकिन वो ऑब्वियसली दिल टूटा है तो पाकिस्तान के लिए टूटा. अरे फिर तो आप यार हमारे जिसको कहते हैं ना कि हमारी टाइप के बंदे हो. बिल्कुल ठीक है. हम लोगों का जो पूरा एल्बम है इट्स अ कंसेप्चुअल एल्बम. ठीक है. एंड द कॉन्सेप्ट रिवॉल्व्स अराउंड व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान. And that is one reason why this person right next to me loves the music so much. ठीक है. Because इसका अपना भी जो ज़्यादा songwriting है, the things that I've heard from Usman, everything revolves around Pakistan. Very nice. Obviously, he's written a lot of love songs as well. Unfortunately, I haven't. सही. There's one song that sounds like a love song and yet it's not. ठीक है. अगर हो सका तो we'll sing that definitely, later. Definitely. But mostly our lyrics are not about girls specifically saying. They're about boys, huh? Not even about boys. They're about. वैसे अभी पिछला जो song सुनाया था वो तो इसी type का ही था. Obviously अब थोड़ी सी lyrical writing में आ गई है. I do write stuff for mass audience. अच्छा, now. Do you think कि ऐसा ऐसा जिस तरह हर चीज़ में revolution आता है, हर चीज़ कोई भी आप काम करते हो तो आप उसमें बेहतरी की तरफ जाते हो. उस्मान, do you think कि music में भी जब आप आते हो तो आपका taste slowly and gradually change होता जाता है? शुरू में आप कुछ और बजा रहे होते हो, उसके बाद आप कहीं और पहुंच जाते हो? बिल्कुल आता है. मतलब normally होता ही है कि देखिए आपका जो core interest है वो तो वही रहता है. अब being a musician, मतलब मुझे rock music पसंद है. ठीक है. ठीक है. I'll always stick to it. मतलब मैं जब भी चाहूँगा, मतलब कोई भी गाना बनाता तो मैं यही चाहता हूँ कि वो element रहे. लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता obviously you listen to everything, आपके इर्द गिर्द जो लोग कर रहे हैं, then पाकिस्तान से बाहर जिस तरह का music हो रहा है वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं आपके स्टाइल पर भी करती हैं. बहुत सारी चीज़ें आप अडाप्ट भी करते हो. अब ये है कि कोर आपका जो स्टाइल है वो वही रहता है. ठीक है. लेकिन ये कि हाँ, मतलब मी बीइंग ए म्यूजिशियन, मुझे अच्छा लगता है कि मैं क्लासिकल म्यूजिक भी करूँ. ठीक है. मैं जैज भी करूँ, मतलब मुख्तलिफ किस्म का म्यूजिक. वेरी नाइस. तो ये होना भी चाहिए. ऑब्वियसली यार, आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप फिर यू नो पीछे रह जाओगे. तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है. वेरी नाइस. बहुत अच्छी थॉट है और ऐसे ही होना चाहिए. मैं एक बात करूँगा कि जी हमारा जो साथ वाला मुल्क है जी इंडिया, किसी हद तक हमें शुरू में इंस्पायर करता रहा और हमारे म्यूज़िक के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस करता रहा, लेकिन अब हमारा म्यूज़िक उनके म्यूज़िक में नज़र आना शुरू हो गया, विच इज़ अ गुड साइन. और हम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यकीन कीजिए कि अगर K2 पे आप कोई इंडियन कंटेंट एज सच नहीं सुनते और इंडियन चीज़ें नहीं सुनते, इसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि हम उनके अगेंस्ट हैं. अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है. हम ये चाहते हैं कि यार उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, हमारे फनकार भी बहुत अच्छे हैं. आई थिंक उनको प्रमोशन मिलनी चाहिए. बिल्कुल. अब उनको इंडिया में प्रमोट करने के लिए अरबों लोग हैं. ठीक है. हमारी छोटी सी बात पे अगर अगर किसी चैनल पे इंडियन म्यूजिक नहीं भी चलता तो आपके मार्केट में हजारों ऐसे हर सबसे पहले इंडियन म्यूजिक आपका बिक रहा होता है. सीडी वाला चैनल तो हर घर में आता है ना. प्लस आजकल इंटरनेट पे इतनी डाउनलोडिंग है, लोग फिल्म्स अब इंटरनेट पे देखते हैं, तो वो सारे सॉन्ग इवेंचुअली पहुंच जाता है. तो जो बेसिक चीज है वो ये कि आप चलें, ठीक है, अगर आपने इंडियन म्यूजिक चलाना भी है तो आप 80-20 होना चाहिए. बिल्कुल. I'd actually like to add something to that. मेरा ख्याल में पाकिस्तानी म्यूजिक ने पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है बिकॉज ऑफ आर मेजर चैनल्स, जिनको हम मेजर चैनल कंसिडर करते हैं. उन्होंने बहुत ज़्यादा म्यूजिक को डाउनर दिया है बाय प्रोमोटिंग अ लॉट ऑफ इंडियन कंटेंट. सही. आई मीन यस, K2 आई हैव नोटिस नेवर एयर्स एनीथिंग दैट्स